हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन केएफसी स्टाइल में घर में बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक किलो चिकन ले लिया मैंने बोनलेस, इसके इतने बड़े बड़े पीसेस कर दिए। एक कप दूध डाल दूंगी, चिली सॉस डाल दूंगी, सिरका डाल दूंगी, एक चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी, एक चम्मच लहसुन पाउडर डाल दूंगी और हसबे ज़रूरत नमक डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था, वो हो गया हमारा। अब मैं एक अलग से बर्तन लूंगी, इससे मैं 2 कप मैदा डाल दूंगी, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी, 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल दूंगी और हसबे ज़रूरत नमक डाल दूंगी। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने सॉस बनाया था, तो उसमें से चिकन मैंने अलग कर दिया। अब जो ये सॉस मैंने बनाया, इसमें मैं एक अंडा ऐड कर दूंगी। चिकन को पहले मैं मैदे में डिप करूंगी, अब अंडे में डिप कर दूंगी इसको। अब दोबारा मैदे में मैं इसको अच्छी तरह डिप करूंगी ताकि ये मैदा इसमें सही जज्ब हो जाए अंदर तक। मैंने पैन ले लिया, इससे मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं चिकन को इसको चिकन में डालूंगी और 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकाऊंगी, फ्राई करूंगी। हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।